राशन की दुकान पर से चावल खरीदकर खाते हैं तो सावधान हो जाइए, आपके चावल में क्या मिला होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। अभी तक देखा जाता था कि चावलों में कीड़े लगे हों या चावल खराब आ गया हो, लेकिन इस बार चावल में मिलकर आ रहा है सीमेंट, जिसे आप जितना भी पानी से साफ करेंगे तो ये उतना ही सख्त होता चला जाएगा। और इस चावल को खाने के बाद आपकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा ये तो आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही नज़ारा आज देखने को मिला रेलवे यार्ड में। यहाँ पर सीहोर से चावल गुना पीडीएस के लिए आया है, देखने पर पाया गया कि इसमें सीमेंट मिला हुआ है। वहीं इस गलती पर पर्दा डालते हुए वेयर हाउस अधिकारी ने कहा कि चावल की हर खेप में 2 से 3 क्विंटल तक चावल खराब एवं बर्बाद हो जाता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो चावल खराब आता है उसे हम वापस कर देते हैं, जिसे ठेकेदार साफ करवा कर दोबारा वेयर हाउस में भिजवा देता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि यदि पिछले सीजन में रखा हुआ कई क्विंटल चावल आज तक वापस नहीं किया गया तो ये चावल कैसे वापस और कब तक हो पाएगा। सवाल ये भी उठता है कि ठेकेदार इस तरह का रवैया क्यों अपनाता है, क्यों नहीं पहले ही से ही साफ सफाई करके चीज़ें भेजे। वहीं इससे लोडिंग और अनलोडिंग पर जो खर्चा आता है उसे कौन भुगतेगा, क्या शासन को फिर से चूना लगाया जाएगा। चना बना के देव यार अखबार में जो जैसे काम चले। हाँ यार, से हमें 430 टन चावल मिलना है। 430 टन में चूँकि गाड़ियाँ लोकल की होती हैं, सीमेंट की लगी हुई गाड़ियाँ होती हैं, ठेकेदार के द्वारा इनको कायदा से साफ करके चावल भरना चाहिए। ट्रक वाले साफ नहीं करते, सीमेंट मिल जाता है, हर रैक में करीब 2 से 3 क्विंटल चावल बर्बाद हो जाता है। इसको अलग, हम तो अलग रखवा लेते हैं, पीडीएस के वितरण के योग्य नहीं है। इसको अलग रखवाएंगे, इसको ठेकेदार को वापस कर देंगे, ठेकेदार इसको साफ करके फिर से जमा।